हेलो एवरीवन, आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं सस्पेंशंस के बारे में। इससे पिछली वीडियो जो थी वो हमारी डेडिकेटेड थी इमल्शंस को, और आज हम बात करने वाले हैं सस्पेंशंस की। तो ये हमारे जो इमल्शन सस्पेंशंस हैं, इनको हम पढ़ किसके अंदर रहे हैं बच्चों, इनको हम पढ़ रहे हैं, ये हमारी बाईफेजिक लिक्विड डोजेज फॉर्म है। तो बाईफेजिक लिक्विड डोजेज फॉर्म की बात करें तो इसमें हमारे पास दो डोजेज फॉर्म आती हैं, एक हमने पढ़ ली है दैट इज आवर इमल्शन, एंड सेकेंड आज हम पढ़ रहे हैं सस्पेंशन। तो चलिए सस्पेंशन को स्टार्ट करते हैं। सस्पेंशन आप सबसे पहले देखेंगे आप पढ़ किस में रहे हैं, ये हमारी एक फार्मास्यूटिकल फॉर्मुलेशन है। तो जितने भी स्टूडेंट्स फार्मास्यूटिक्स को स्टडी कर रहे हैं, आइदर दे आर इन देयर डिप्लोमा कोर्स और इन देयर बैचलर्स कोर्स, उन सभी स्टूडेंट्स के लिए ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको समझना। इसमें से क्वेश्चंस भी बनते हैं और ये फॉर्मुलेशन को समझना, ये फॉर्मुलेशन के बारे में समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज ये भी आपका वाइडली फॉर्मुलेट की जाने वाली वाली डोजेज फॉर्म है। तो चलिए आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, बिकॉज दिस सस्पेंशन इज वी आर स्टडिंग अंडर द फार्मास्यूटिक्स, सो दिस इज अ फार्मास्यूटिकल सस्पेंशन। ठीक है, फार्मास्यूटिकल सस्पेंशन मींस ऐसा सस्पेंशन है जो थोड़ा स्पेशल है। इसके अंदर क्या स्पेशलिटी है, दैट इट कंटेन्स अ फार्मास्यूटिकल एक्टिव इंग्रेडिएंट। इसके अंदर एक एपीआई है, ये इसकी एक कैरेक्टरिस्टिक्स है। तो चलिए इसकी डेफिनेशन को अंडरस्टैंड करते हैं। डेफिनेशन कहती है द सस्पेंशन इज ए हेट्रोजीनस लिक्विड डोजेज फॉर्म। यहीं तक रुकिए। हेट्रोजीनस का मतलब क्या होता है, हेट्रोजीनस का मतलब होता है जब दोनों फेज जो हो वो एक दूसरे में नॉन यूनिफॉर्मली मिक्स्ड हो। जैसे आपका एक इनसॉल्युबल सॉलिड एक लिक्विड में जाता है तो कैसा सिस्टम तैयार करता है, वो हेट्रोजीनस सिस्टम तैयार करता है। ठीक है, इसका जस्ट ऑपोजिट होता है आपका होमोजीनस। होमोजीनस अगर आपको समझ में आएगा तो उसका उल्टा आप हेट्रोजीनस समझ सकते हैं। होमोजीनस का मतलब फॉर एग्जाम्पल यू हैव टेकन अ ग्लास, ठीक है, इसमें आपने एक चम्मच आपने इसके अंदर सॉल्ट ऐड कर दिया, तो सॉल्ट जब पानी के अंदर जाएगा तो कैसे मिक्स होगा, यूनिफॉर्मली मिक्स होगा। यूनिफॉर्मली मिक्स होने का क्या सिम्टम है, कैसे पता लगेगा आपको, अगर आपने उसकी सबसे ऊपर की एक सिप पी तो भी आपको उतना ही नमकीन एक्सपीरियंस होगा, सबसे बॉटम की पी तब भी आपको उतना ही नमकीन मिक्स होगा, बिकॉज सॉल्ट हैज बीन यूनिफॉर्मली होमोजेनाइसली मिक्सड थ्रू आउट द वाटर। उसका जस्ट ऑपोजिट कर लीजिए हेट्रोजीनस, यानी कि इसमें क्या होता होगा, जो भी आप ऊपर से सॉल्यूट ऐड करते होंगे वो नॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होता होगा, यानी कि इस लेयर में थोड़ा ज्यादा होता होगा और उस लेयर में थोड़ा सा कम होता होगा। सो यानी कि सस्पेंशन एक ऐसा हेट्रोजीनस डोजेज फॉर्म है, हेट्रोजीनस सिस्टम है, जिसके अंदर आप क्या करते हैं, एक सॉल्यूबल सब्सटेंस को डालते हैं, और ये सॉल्यूबल सब्सटेंस बच्चों इनसॉल्यूबल होता है, ठीक है, इन द लिक्विड फॉर्म। ठीक है, तो इसको आपने सॉलिड सब्सटेंस को डाला, जिसको आप ऐड करते हैं ना बच्चों, उसको डिस्पर्स्ड फेज कहा जाता है। ये सेम चीज आपको इमल्शन में भी याद रखनी है। और इस सॉलिड को आप कहाँ डालते हैं, इस सॉलिड को आप अलाउ करते हैं कि वो लिक्विड में जाए, और लिक्विड को हम क्या कह देते हैं, डिस्पर्शन मीडिया या फिर कंटीन्यूअस मीडिया। ठीक है, अब यहाँ डायग्राम से समझिए। आप डायग्राम में आप देख सकते हैं सस्पेंशन में आपकी इमल्शन की ही तरह दो फेज होती है, इसलिए ये भी बाईफेजिक है। तो इसमें दो फेजेस होंगी बच्चों, देख सकते हैं आप, ये जो ग्रीन कलर से दिखाई गई है ये है आपकी, दिस इज द डिस्पर्स्ड फेज, और जो मैंने यहाँ पे पर्पल कलर से बनाई है ये डिस्पर्शन मीडिया या कंटिन्यूस मीडिया। तो दो फेजेस हो गई, डिस्पर्स्ड फेज और कंटिन्यूस फेज। डिस्पर्स फेज किसे कहेंगे आप, डिस्पर्स फेज आप कहेंगे जिसको आप ऐड कर रहे हैं, जैसे आपने ग्रीन ग्रीन सब्सटेंसेस को आपने पर्पल सॉल्यूशन में डाला है तो ग्रीन कहलाएगा आपका डिस्पर्स्ड फेज। तो विच इज टू बी एडेड इज कॉल्ड डिस्पर्स्ड फेज, इन विच द सब्सटेंस इज टू बी एडेड इज कॉल्ड डिस्पर्शन मीडिया, यानी कि जिसको डालना है वो बनेगा डिस्पर्स्ड फेज, जिसमें डालना है वो बनेगा डिस्पर्शन मीडिया। चलिए अब जब हम सस्पेंशन की बात कर रहे हैं तो हम चाहेंगे कि हमारा सस्पेंशन कैसा बने, आइडियल बने, तो हमारे पास कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, कुछ एट्रीब्यूट्स होते हैं जिसके बेसिस पर हम कहते हैं कि हमारा सस्पेंशन आइडियल है। तो एक आइडियल फार्मास्यूटिकल सस्पेंशन में क्या क्या प्रॉपर्टीज होनी चाहिए उनके बारे में बात कर लेते हैं। तो फॉलोइंग मैंने यहाँ पर पॉइंट्स मेंशन किए हुए, सबसे पहला पॉइंट है यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन, मीन्स टू से इसके बारे में बात कर लेते हैं। यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या है कि जब आप एक सस्पेंशन को फॉर्मुलेट करें, ये आपकी लिक्विड डोजेज फॉर्म है, ठीक है, ये इसकी डिफरेंट डिफरेंट लेयर्स हैं, इसमें आपने अपना जो सॉलिड है आपने इसको ऐड कर दिया, अब ऐसा होना चाहिए मान लीजिए 10 सॉलिड के मॉलिक्यूल्स हैं तो वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हों, दो इस वाली फेज में चले जाएं, दो इसमें, दो इस वाली फेज में और दो इस वाली फेज में, इस तरीके से पांच सॉलिड पार्टिकल्स अगर एक समान रूप से थ्रू आउट द सॉल्यूशन, थ्रू आउट द सॉल्वेंट डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं, तो इस प्रकार के डिस्ट्रीब्यूशन को हम यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। यानी कि एक आइडियल सस्पेंशन वो माना जाएगा जिसमें आपने इस सॉलिड को यानी कि डिस्पर्स्ड फेज को डिस्पर्शन मीडियम में एक समान रूप से बांटा है।
ठीक है। दूसरी चीज आती है फिजिकल स्टेबिलिटी। फिजिकल स्टेबिलिटी का मतलब ये है कि जब तक आपके सस्पेंशन की शेल्फ लाइफ है तब तक उसमें कोई भी फिजिकल चेंज नहीं आना चाहिए, ठीक है। उसके अंदर शेल्फ लाइफ का मतलब क्या है कि शेल्फ लाइफ आप समझ लीजिए एक्सपायरी डेट, आपके प्रोडक्ट की एक एक्सपायरी डेट होगी, ठीक है। एक्सपायरी डेट होने तक का, टिल द प्रोडक्ट रीचेज इट्स एक्सपायरी डेट और शेल्फ लाइफ, उसके अंदर कोई फिजिकल चेंजेस नहीं आनी चाहिए। फिजिकल चेंजेस में हो सकता है उसके अंदर जो कलर है उसका जो इनिशियली था वो वैसा ही रहे, उसके टेक्सचर में कोई चेंज ना आए, ठीक है, उसमें से आपका कोई आपको ऑर्डर ना आ रही हो। सो ये अगर चेंज हो रहे हैं, इन तीनों में से अगर कोई चेंज देखने को मिल रहा है, दैट मींस आपकी सस्पेंशन जो है वो फिजिकली अनस्टेबल है। सो यू डोंट वांट इन योर दैट इन योर आइडियल सस्पेंशन। एंड थर्ड पॉइंट यू विल कंसीडर इज पैलेटेबिलिटी। पैलेटेबिलिटी का मतलब है आपका सस्पेंशन जो हो वो पीने लायक होना चाहिए, यानी कि उसका जो टेस्ट हो और उसका जो फ्लेवर हो वो आपका पेशेंट के लिए एक्सेप्टेबल हो। हम पैलेटेबिलिटी की जब बात कर रहे हैं तो हमें ध्यान रखना पड़ता है कि हमारे जो सस्पेंशन में टारगेटेड कस्टमर्स हैं वो कौन है, वो है हमारे, यानी कि जितने भी हमारे चिल्ड्रंस हैं वो हमारे यहाँ पे टारगेटेड कस्टमर्स हैं। बच्चों के लिए हम लोग सस्पेंशन डोजेस फॉर्म्स प्रेफरेबली फॉर्म करते हैं, तो बच्चों को अगर आपकी प्रिपरेशन पैलेटेबल नहीं लगेगी, दैट मीन्स टेस्ट वाइज और फ्लेवर वाइज इफ द चिल्ड्रंस आर नॉट लाइकिंग द प्रिपरेशन, उसकी पैलेटेबिलिटी नहीं रहेगी, इन रिजल्ट आपका पेशेंट का एक्सेप्टेंस रेट जो है वो घट जाएगा, तो उस सस्पेंशन को आप आइडियल नहीं मानेंगे। दो इट कंटेन्स अ वेरी गुड कैटेगरी ऑफ एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट, इट इज ऑफ नो यूज। देन फोर्थ पॉइंट इज पोरेबिलिटी। पोरेबिलिटी का मतलब क्या है, इट शुड बी इजिली ट्रांसफरेबल। जब आप इसको देंगे पेशेंट को तो बच्चे को इसको स्पून के अंदर डाल के या फिर एक ढक्कन के अंदर डाल के बच्चे को प्रोवाइड करवाया जाएगा, तो अगर आपके सस्पेंशन की पोरेबिलिटी, यानी कि यहाँ पर आप ध्यान रखते हैं उसकी विस्कोसिटी का, इट शुड नॉट बी टू विस्कोर, ओके, तो उसकी विस्कोसिटी इतनी होनी चाहिए दैट इट शुड बी इजिली ट्रांसफरेबल, ओके। देन नेक्स्ट बात कर लेते हैं लॉन्ग शेल्फ लाइफ की। चूंकि आपके सस्पेंशन एक हेट्रोजीनस सिस्टम है तो उसकी शेल्फ लाइफ जो होनी चाहिए वो आप क्या करते हैं, सस्पेंडिंग एजेंट्स का इस्तेमाल करके उसकी शेल्फ लाइफ को बढ़ा देते हैं, यानी कि उसकी एक्सपायरी डेट को आप बढ़ा देते हैं। शेल्फ लाइफ बढ़ाने से हमारा क्या मतलब है, आपकी जो सस्पेंशन है बींग हेट्रोजीनस इन नेचर, जो सॉलिड होते हैं ना वो एक टाइम बाद सेटल हो जाते हैं, ठीक है। वो जो आप उसमें सस्पेंडिंग एजेंट डालते हैं वो आपके सॉलिड पार्टिकल्स की जो सेडिमेंटेशन रेट होती है उसको स्लो डाउन कर देता है, और आपका एपीआई जो है वो आपके जो भी आपने उसमें एडिटिव्स डाले हैं उसमें यूनिफॉर्मली मिक्स रहता है टिल इट रीचेज इट्स एक्सपायरी डेट। चलिए अब बात कर लेते हैं सस्पेंशन कितने टाइप के होते हैं। तो बच्चों सस्पेंशन की अगर हम बात करें तो ये दो टाइप के होते हैं, एक वो सस्पेंशन जिसमें फ्लोक्यूल्स बनते हैं, मींस टू से जिसमें आपका जो डिस्पर्स फेस है वो अपने छोटे छोटे एग्रीगेट्स बना देती है, गुच्छे बना देती है, तो वो सस्पेंशन कहलाता है फ्लॉक्यूलेटिक सस्पेंशन। दूसरा होता है डीफ्लॉक्यूलेटेड सस्पेंशन। इस सस्पेंशन में आपका किसी भी प्रकार के एग्रीगेट्स या किसी भी प्रकार के गुच्छे नहीं देखने को मिलते हैं, और डीफ्लॉक्यूलेटिंग सस्पेंशन बनाने के लिए हम हमारे फ्लॉक्यूलेटेड सस्पेंशन में डीफ्लॉक्यूलेटिंग एजेंट ऐड कर देते हैं। डीफ्लॉक्यूलेटिंग एजेंट ऐड करने से फ्लॉक्यूल्स हैं वो बनने बंद हो जाते हैं, एंड वी प्रेफर आवर सस्पेंशन टू बी डीफ्लॉक्यूलेटेड। अब बात कर लेते हैं सस्पेंडिंग एजेंट की। तो सस्पेंडिंग एजेंट क्या करता है, सस्पेंडिंग एजेंट क्या करता है ना, आपके सॉलिड के सेटलिंग रेट को घटा देता है, वो अलाउ करता है कि आपका सॉलिड जो है वो आपके डिस्पर्शन मीडियम में यूनिफॉर्मली एक, इसके लिए आप सस्पेंडिंग एजेंट का इस्तेमाल करते हैं जैसे कि एगारोस। अब बात कर लेते हैं सस्पेंशन के यूजेस की, कहाँ इसको यूज करेंगे। सबसे पहले सस्पेंशन डोजेज फॉर्म हम लोग प्रेफर करते हैं, या इसको जो बनाया गया है वो चिल्ड्रंस के लिए बनाया गया है, ताकि अगर कोई ड्रग आपकी बहुत बिटर इन टेस्ट है या वो अनपैलेटेबल है तो आप उसको सस्पेंशन के फॉर्म में पैलेटेबल बना सकते हैं, और अपने चिल्ड्रंस को या बच्चों को आप उसको ओरली उसको प्रोवाइड कर सकते हैं। दूसरी चीज इसी के साथ एसोसिएटेड है, फॉर मास्किंग द फ्लेवर और टेस्ट ऑफ द एपीआई। अगर आपका एपीआई बहुत ज्यादा बिटर है टेस्ट वाइज, उसका फ्लेवर अनप्लेजेंट है, तो आप उसके फ्लेवर को या उसके टेस्ट को मास्क करना चाहते हैं, तो सस्पेंशन बना के आप उसमें फ्लेवरफुल सस्पेंशन की फॉर्म में आप चिल्ड्रंस को दे सकते हैं। जैसे आप स्ट्रॉबेरी फ्लेवर का सस्पेंशन बच्चों को पसंद आता है, तो उसके फॉर्म में आप बच्चे के अंदर जो मेन एपीआई है उसको पहुंचा सकते हैं। और
एट द एंड ये जो तीसरा यूज है ये इन दोनों के साथ जुड़ा हुआ है टू इंक्रीज द पेशेंट कंप्लायंस. अगर बच्चा जो है उसके पास ऐसी फॉर्मुलेशन पहुंचेगी जो उसके लिए ईजी हो एक्सेप्ट करना और उसको उसका फ्लेवर उसका टेस्ट अच्छा लगता हो तो पेशेंट की एक्सेप्टेबिलिटी बढ़ेगी, यानी कि पेशेंट जो है वो कंप्लाई करेगा अपनी डोजेज रेजिमेन के साथ, अपनी डोज फ्रिक्वेंसी के साथ. अब जब हम बात करते हैं सस्पेंशन की तो हमारे लिए एक चीज पढ़नी जरूरी होती है, दैट इज स्टोक्स लॉ. स्टोक्स लॉ क्यों पढ़ना है आपको, देखिए इसको मैं आपको एक डायग्राम से समझाती हूँ. लेट्स टेक रेड कलर. ओके, मान लीजिए आपने ये बॉटल है, ठीक है, इसमें आपने अपना सस्पेंशन रखा हुआ है, ठीक. ये आपकी हो गई डिस्पर्शन फेज, डिस्पर्शन मीडिया, और ये हो गया आपका डिस्पर्स्ड फेज, यानी कि ये आपके वो सॉलिड है जिसके अंदर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो चुके हैं, ठीक है. ये आपका एक सस्पेंशन रेडी हो गया. चलो जी, अब क्या होगा, देखिए आपको पता है कि इसमें जो आपके सॉलिड पार्टिकल्स हैं ये क्या है, दे आर रफली स्फेरिकल इन शेप. तो इन पे क्या हो रहा है, ग्रेविटी जो है ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन लग रहा है और लगातार आपके ये पार्टिकल जो है वो आपका किस तरफ आ रहे हैं, दे आर कमिंग टुवर्ड्स द बॉटम. लेट्स टेक ब्लैक कलर. ये आपका ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की वजह से लगातार दे आर एक्सपीरियंसिंग अ फोर्स एंड दे आर कमिंग डाउनवर्ड्स टुवर्ड्स द बॉटम, ठीक है. अब सस्पेंशन में अगर ये जो आपका एपीआई है सॉलिड है, अगर ये सेटल हो जाएगा बॉटम पर, ठीक है, ये मान लो सारे के सारे पार्टिकल्स जो है, एक स्थिति ऐसी आई कि आपको ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके जितने भी सॉलिड पार्टिकल्स थे वो आपका बॉटम पर बैठ गए हैं. अब ऊपर क्या रह गया है, अब आपका जो भी फ्लेवरिंग एजेंट था, आपका प्रिजर्वेटिव थे, सस्पेंडिंग एजेंट्स थे, वो सब ये हैं, ठीक. और एपीआई आपका नीचे आके सेटल हो गया है क्योंकि उसका सेडिमेंटेशन हो रहा है ड्यू टू दिस एक्सेलरेशन, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन. तो इससे क्या प्रदर्शित होता है, इससे पता चलता है कि हमारा जो प्रिपरेशन था ना वो बहुत ही ज्यादा इनस्टेबिलिटी को शो कर रहा है. इट इज नॉट स्टेबल, सो इट इज शोइंग अनस्टेबिलिटी. वॉन्ट आर सस्पेंशन टू बी अनस्टेबल, ठीक. अब हम क्या करते हैं, आपका एक लॉ पढ़ते हैं. ये लॉ हमें ये बताने में मदद करता है कि वो कौन से फैक्टर्स होंगे जो आपके इस सेडिमेंटेशन को स्लो डाउन कर देंगे. आपका जो ये रेट ऑफ सेडिमेंटेशन है ये आपका स्लो कैसे हो सकता है, इसके लिए कौन कौन से फैक्टर्स आप ध्यान में रखेंगे. तो स्टोक्स लॉ के अकॉर्डिंग जो रेट ऑफ सेडिमेंटेशन है कि कितने मीटर पर सेकेंड, ठीक है, ये किस पर डिपेंड करता है, ये आपकी डिस्पर्स्ड फेस और डिस्पर्शन मीडियम की डेंसिटीज के डिफरेंसेस पर निर्भर करता है. अगर आपके जो ये सॉलिड पार्टिकल्स और आपकी जो ये डिस्पर्शन मीडियम है अगर इनकी डेंसिटीज में बहुत ज्यादा डिफरेंस रहा तो रेट ऑफ सेडिमेंटेशन भी बहुत फास्ट होगा, ठीक है. तो आप जब भी सिलेक्शन करेंगे अपने सस्पेंशन बनाने का तो आप अपने डिस्पर्स्ड फेस आपका जो सॉलिड है और आपकी जो डिस्पर्शन मीडियम आपका जो लिक्विड आप चूज कर रहे हैं इन दोनों की जो डेंसिटी होगी उन दोनों की डेंसिटी का जो डिफरेंस होगा वो आप क्या रखेंगे, वो आप मिनिमम रखेंगे क्योंकि आपको दिखता है ग्रेटर द डिफरेंस इन द डेंसिटी ग्रेटर विल बी द रेट ऑफ सेडिमेंटेशन. सेकेंड है आपका पार्टिकल का डायमीटर, डी है आपका डायमीटर. अगर आपका पार्टिकल का साइज का जो डायमीटर है वो बहुत ज्यादा है तो ये पार्टिकल जो है वो जल्दी जल्दी नीचे की तरफ सेटल होगा. ऐसे आप इसको समझ लीजिए, आपके सामने एक बड़ा पत्थर है, ठीक है, तो बड़ा जो स्टोन होगा वो जल्दी सेटल होगा आपके पानी के अंदर और अगर छोटा पार्टिकल होगा तो वो धीरे धीरे सेटल होगा बॉटम पे. तो आपने देखना है डायमीटर ऑफ पार्टिकल ऑल्सो अफेक्ट्स द रेट ऑफ सेडिमेंटेशन. एंड लास्ट इज विस्कोसिटी. अगर आपका ये जो लिक्विड आपने लिया है ये बहुत ही ज्यादा हाईली विस्कस होगा तो ये रेजिस्टेंस ऑफर करेगा आपके पार्टिकल को नीचे सेटल होने में. तो आप यहाँ पर क्या करते हैं, विस्कोसिटी को आप ज्यादा रखते हैं. विस्कोसिटी ज्यादा रहेगी तो रेट ऑफ सेडिमेंटेशन स्लो रहेगा. सो दिस इज ऑल अबाउट सस्पेंशन. आई होप आपको वीडियो समझ में आई होगी. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस कॉन्टेंट एंड इफ यू लाइक दिस कॉन्टेंट डू सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर विद योर फेलो लर्नर्स. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग.